टेस्टी लगते नहीं नहीं हैं। चस्का होता है, इकोनॉमिकल वगैरह की बात नहीं, इकोनॉमिकल देखा नहीं, जाए तो पर जो घर पे चस्के के बनाते अलावा हैं किडनी वो भी तो खराब टेस्ट होती है बन ना। बने हुए आप हमारे। जरा सा ओवर ईटिंग अगर कोई इंसान करता है, जैसे बड़ी हैवी कीमे की या जो मीठी कचौरियाँ हैं वो खा ली, साथ को समोसा ले लिया, फिर वो कर लिया, दही भल्ले हो गए, अच्छा उतने में आपकी जो खाली चपाती और वो है ना, वो भूख तो आपको खराब हो जाती है। आप अगर लें भी थोड़ा, थोड़ी क्वांटिटी में ठीक लें है, भी, और कोशिश करें घर का बना हुआ खाना हो और थोड़ी अमाउंट में हो और किसी भी चीज़ की ज्यादती ना हो, तो आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जनाब। जैसे कि डॉक्टर जवेरिया ने हमें कहा है कि घर के बने हुए खाने जो हैं उनको प्रेफर करें, और हाँ घर में कैसे मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं वो हम आपको अपने किचन में भी दिखाएंगे। पूरा एहतमाम है शहर रमज़ान में आपके लिए, आपके रोज़े, आपके इफ्तार किस तरह से आसान बनाए जाए, लेकिन उन सब के साथ साथ उनका भी ख्याल रखें जो खुद से एहतमाम नहीं कर सकते। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सिटी 42। अल्लाह जी, मौसम भी बड़ा आसान है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो जो लोग हमारे जितने भी भाई, जितने भी लोग बाहर मजदूरी कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस मरतबा आगाज़ कल बारिश हुई और आज भी मौसम बहुत ठंडा है, अल्लाह का शुक्र है। और मौसम के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि दिलों का मौसम बहुत ठंडा होना चाहिए और मिजाज का मौसम भी, अगर उस पर कंट्रोल हो जाए तो वाह वाह हो जाती है। तो जनाब, आज हमारे साथ वन ऑफ़ द फाइनेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर जवेरिया मौजूद हैं, महबूब मियाँ मीर साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, हमारे पाकिस्तान के मायनास कवाल हैं, और हमारे जहनों में बहुत सवाल हैं। वाह, ये तो क्या मुशायरा हो बात गया। है, मैंने कहा कवाली क्या के साथ बात साथ है, शेर व क्या शायरी बात भी होनी चाहिए, तो है। मुशायरा हो गया। चलें जी, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ऐसे जनाब, ही हम चाहेंगे कि है। आप मज़ीद हमारे जितने भी नाज़रीन और हाज़रीन यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल उनको गाइड कीजिए कि आप अपना ख्याल कैसे रखें और जी मियाना रवि अख्तियार करें, और अज दी अफ्तारी नू, अज दी अफ्तारी समझो, है ना, समझो कि आखिरी अफ्तारी है ये, 2900 और भी आनी बिल्कुल ने। ऐसे ही है। अच्छा यहाँ पे मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि वो लोग जो कि कमर्शियल फूड्स, बाहर के जो पैकेज्ड फूड्स हैं वो लेके आते हैं और तलते हैं और खा लेते हैं, वो भी हेल्दी नहीं होते। उससे बरक्स आप अपने घर पे शामी कबाब, रोल या जो भी चीज़ें हैं वो बनाएं, वो खाएं, फ्रेश खाना प्रेफर करें। फ्रेश खाना होना चाहिए, लाइक जो आपका सहरी का मील है वो भी फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं कि पिछले एक, मतलब एक वीक के लिए खाने आपने बना के रख दिए और फिर आप निकाल के गर्म करके दोबारा दोबारा से वो ले रहे हैं, क्योंकि वो भी कार्सिनोजेनिक होता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि ये जो औकातकार हैं अफ्तारी से लेके सहरी तक के, इसमें आपने इबादत भी करनी है, अपना न्यूट्रिएंट इनटेक ठीक रखना है, एनर्जी लेनी है। तो जैसे आप पानी पीते हैं, फिर थोड़ा मीठा खा लेते हैं, फिर आपने खाना वगैरह खाना, तरावी पढ़ी, उस नट्स का इस्तेमाल भी रखें, लाइक कैश्यू नट्स, वॉलनट, पीनट्स, यानी जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, इसकी रोटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो नट्स हैं उसका इस्तेमाल करें, दही के साथ ले लें तो आपकी बॉडी को बहुत ठंडा रखेगा, यस, फौरी तवानाई वाली गज़ा लेकिन भी पता है। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, आज सहरी जी में मैंने जब दही खाई ना, हाँ जी तो बेगम ने बड़ी मोहब्बत से दही दी और वो अच्छी भी थी लेकिन ठंडी थी, जी तो जी ठंडी की वजह से ना मेरे गले में थोड़ी सी वो चेस्ट खराश कंजेशन कुछ और इस इस टाइप तरह के से हो गई, इशू तो होते हैं बच्चों ज़्यादा को ठंडा तो। भी नहीं होना चाहिए नहीं मेरे ख्याल ज़्यादा से ठंडा, चीज़ें। देखिए बहुत छोटे बच्चे और बड़ी एज के लोगों के लिए छोटे ना, बच्चों की यानी मेरी बात कर रही हैं आप। नहीं यू आर नॉट सो छोटा। अच्छा वैसे है कि जो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए, और जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा उसकी, जैसे कहते हैं, ठार खत्म करके देना चाहिए ताकि उसको चेस्ट कंजेशन या इस तरह का इश्यू ना हो। बिल्कुल ठीक, अच्छा जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा टेक्निकल रमज़ान का प्लान वो है। बस करना ही चाहते हैं करते नहीं है। ये अली भी यहाँ असल पर जो में हमारे किचन में भी होते हैं, ये भी इन्नमल, हर हर पता है क्या वो एक बार कहता है लाइन कि अगले है, हफ्ते। इन्नमल अमालो बिन्नियात, कि आप नियत करेंगे तो कुछ होगा। बिल्कुल ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि लेकिन नियत के साथ चाहने साथ में और हरकत भी है करने और में हरकत मेरा में बरकत डिफरेंस है। नियत के साथ हरकत है और हरकत में बरकत है, वो नहीं कर रही, हाथ नहीं जैसे रोकना। 70% डाइट और 30% आपकी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है ना। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स वॉक अच्छी है डेली, तो वो भी करें। उसके अलावा जो वेट लॉस करना चाहते हैं, तली हुई चीज़ें, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, बेकरी वाली अशिया, तली हुई अशिया वो नहीं लेनी, सब्जियां, फल, उसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी वगैरह अगर आप लाइक करते हैं तो आप वो भी मॉर्निंग में ले सकते हैं। उसके अलावा नट्स लें, फ्रूट्स लें। अच्छा सुबह के औकातकार में लाजमी तौर पे मौसमी, माल्टा, चकोतरा, जो ग्रेपफ्रूट, ऑरेंजेस, इस तरह की चीज़ें हैं ज़रूर ऐड करें। अच्छा मेरे जैसा अगर कोई बिल्कुल ही कॉन्शियस बंदा हो ना, तो वो तो सुबह बीटरूट, एप्पल, कैरेट उसको भी कर रहा होता है, मिल्क भी ले रहा होता है। पर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए, बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि फल का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी की
आपके अपने साथ इंटरनली जंग होती है कि आपने बीमारियों से कैसे बचना है, तो उसके लिए हेल्दी डाइट बहुत बहुत है। बहुत शुक्रिया आपके इन बड़ी मुफीद टिप्स के लिए डॉक्टर जवेरिया, बहुत शुक्रिया शहर रमजान में आने के लिए भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और हमेशा शहर रमजान का आगाज हमारे पहले मेहमान आप बने। जनाब स्पार्क्स का एक पैगाम है, जनाब रमजान के बाबरकत महीने में स्पार्क्स स्मार्टफोन लाया है आपके लिए तूफान का खजाना। स्पार्क्स स्मार्टफोन की जानिब से जीतने वाले खुश नसीब को स्पार्क्स स्मार्टफोन का तोहफा, शाइन विद स्पार्क्स। और जनाब इसके साथ साथ बताते चलें कि अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हमारा सेगमेंट उसका आगाज़ होगा सुकून की आवाज़, और सुकून की तरफ से बहुत ज़बरदस्त विनर्स के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी, उम्रे का टिकट और 50,000 रनर अप के लिए। तो अपने सारे जितने स्पॉन्सर उनका भी बहुत शुक्रिया और देखने और सुनने वालों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 42 भी निभा सकें, आपके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपका साया आपके बच्चों के सर पे सलामत रखे। तो जनाब मुकद्दस काजमी साहब के साथ साथ हमारे जो एक और हमारे बहुत ही मोहतरम और प्यारे जज, पिछले साल भी आपने देखा बहुत बाखूबी उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज बेहतरीन नात खाएँ, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत शफीक हैं, बोलते भी बहुत कमाल हैं और इनसे भी हमें बहुत प्यार है। हमारे साथ जनाब शहजाद मदनी साहब तशरीफ़ रखते हैं। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और शहजाद भाई मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त यकीनन मेरी तरह मुकद्दस भाई की कमी आप भी महसूस कर रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक, और यकीनन वो कई सालों से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और अब भी हैं, बिल्कुल और रहेंगे। अल्लाह करीम उनको सेहत कामिला आजला ता फरमाए, हम बहुत मिस कर रहे हैं उनको। परवरदिगार आलम जल्द बहुत जल्द उन्हें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाए और शामिल करें हमारे प्रोग्राम के। आमीन सुमा आमीन। जनाब शहजाद मदनी साहब के साथ साथ हमारी एक और जो जज हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिजा मिसबा साहिबा, आप अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। मुबारक आपको भी बहुत। आप पहली बार शहर रमज़ान का हिस्सा बन रही हैं, बिल्कुल, तो आपको हम बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और इस मरतबा जो है हमेशा की तरह बच्चों ने बहुत तैयारी की है और वो यहाँ पर आए हैं और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, तो आपकी इजाज़त से हम अपने इस सुकून की आवाज़ इस सेगमेंट का आगाज़ करें। मदनी भाई बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो जनाब सबसे पहले हाफिज अब्दुर्रहमान, बिस्मिल्लाह। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं।